आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले भर्ती करेगा। आज के लगभग सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। मैं सभी समाचार पत्रों की जो कटिंग वगैरह है वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित कर दी है 9 समितियां। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया है जो आयोग की कार्य पद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी, किस तरीके से काम होने हैं। कमेटी के 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की है और इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ है। और आयोग का पूरा जोर रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर के होने वाले मुकदमों की पैरवी, अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिनों में रिपोर्ट दे ताकि शासन से अनुमति लेकर के आगे की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। और सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है और निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह काम करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर मापदंडों पर काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की है। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती एवं परीक्षा की क्या प्रक्रिया तथा इसके मानक क्या है आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। जल्द वेबसाइट बनेगी। मैंने इसके बारे में आपसे बताया था कि अभी वेबसाइट नहीं बनी, पहले आयोग की वेबसाइट बनेगी, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट बनाएगा। और अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव विशेष उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति भी होनी है। इसके अलावा भी कुछ और नियुक्तियां होनी है, जैसे वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई भर्तियां अभी होनी है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर के चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश भी दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। तो कल कुछ विद्यार्थी गए थे जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, तो विद्यार्थियों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। ये विद्यार्थी पोर्टल खोलने के लिए फिर से आवेदन की मांग कर रहे थे और लिखा कि 2022-2023 में यूजीसी नेट विद्यार्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी और आयोग की ओर से आवेदन भी लिया जा चुके हैं। तो इन विद्यार्थियों का इन्होंने बाद में नेट वगैरह किया था, बाद में इनका परिणाम जारी हुआ था, इसलिए इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए।